दोस्तों Realme ने आज अपने इंडिया में चार नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों क्या है वो चार प्रोडक्ट और दोस्तों क्या है उनकी स्पेसिफिकेशन, तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं सब के बारे में बात करूंगा और क्या है दोस्तों उनकी प्राइस, वो सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ में ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप वीडियो पूरी देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बात करें पहले प्रोडक्ट की जो उन्होंने लॉन्च किया, वो दोस्तों आपको रियलमी पावर बैंक सेकंड जनरेशन, जो कि दोस्तों आपको इस बार काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ मिलता है। आपको 18 शॉर्ट सर्किट दोस्तों प्रोटेक्शन प्लान देखने के लिए मिलता है, साथ में दोस्तों येलो एंड ग्रे कलर में आपको पावर बैंक देखने के लिए मिलता है दो वेरिएंट। और दोस्तों ये 10,000 mAh का पावर बैंक है जिसमें आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों बात करें इसमें दोस्तों दो पोर्ट मिलते हैं आपको, यूएसबी टाइप सी और दोस्तों यूएसबी टाइप है, और दोनों में ही आपको दोस्तों फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलती है जो कि दोस्तों 18 वॉट की क्विक चार्जिंग देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों काफी अच्छा है पावर बैंक है। और दोस्तों बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये दोस्तों आता है दोस्तों 1000 रुपीज की प्राइस में, जो कि दोस्तों इसकी काफी अच्छी प्राइस है। और दोस्तों बात करें दूसरे प्रोडक्ट की जो उन्होंने लॉन्च किया, वो है दोस्तों Realme Buds Neo, जो कि दोस्तों काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। इनमें आपको दोस्तों टच सेंसिटिव ईयरबड्स मिलते हैं, साथ में ही दोस्तों आपको 13mm के ड्राइवर देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपको डायनेमिक ड्राइवर देखने के लिए मिलते हैं, साथ में ही दोस्तों आपको चार कलर वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड ग्रीन, जो कि दोस्तों काफी अच्छे देखने के लिए लगते हैं। वहीं दोस्तों इनमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, टाइप सी चार्ज मिल जाता है, दोस्तों 17 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप बड्स की बात करें तो इसमें आपको दोस्तों 3 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें ब्लूटूथ की, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने के लिए मिल जाता है, साथ में ही दोस्तों इसमें आपको 119 मिलीसेकंड्स की दोस्तों लो लेटेंसी देखने के लिए मिल जाती है जो कि आपको गेमिंग वगैरह में दोस्तों काफी हेल्प करने वाला है क्योंकि आपको काफी ज्यादा लो लेटेंसी देखने के लिए मिलती है, साथ में ही आपको गेमिंग फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों काफी अच्छे बड्स हो जाते हैं। और दोस्तों बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये दोस्तों उन्होंने लॉन्च किया 3000 रुपीज में, जो कि आपको फ्लिपकार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो तीसरा प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया दोस्तों, वो है दोस्तों Realme स्मार्ट वॉच दोस्तों, जो कि काफी अच्छी फीचर्स के साथ आती है। ये दोस्तों 1.4 इंच की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है जिसमें आपको 323x323 पिक्सल डेंसिटी देखने के लिए मिलती है, 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है। साथ में दोस्तों इससे आप अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अनलॉक कर सकते हैं, उसमें आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, फोटोज खींच सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। साथ में ये भी आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने के लिए मिलता है और दोस्तों 2.5D कर्व ग्लास देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है जो कि आपको इसके स्क्रैच वगैरह से बचाएगा। साथ में ये आपको 12 दोस्तों इन प्री इंस्टॉल्ड इसमें आपको वॉच फेसेस मिलते हैं। और दोस्तों जब इसमें OTA अपडेट आएगा बाद में, उसमें आपको दोस्तों 100 से भी ज्यादा वॉच फेसेस देखने के लिए मिलेंगे जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ में ये आपको इसमें 14 स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिलते हैं, SPO2 ब्लड मॉनिटर देखने के लिए मिलता है, साथ में आपको हार्ट रेट मॉनिटर देखने के लिए मिलता है, स्लीप ट्रैकर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों काफी अच्छे फीचर्स के साथ ये वॉच भी उन्होंने लॉन्च की है। और दोस्तों ये वाटरप्रूफ भी देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। बात करें दोस्तों इसकी प्राइसिंग की, तो दोस्तों ये लॉन्च हुआ है दोस्तों 4000 रुपीज की प्राइस में, क्योंकि दोस्तों 5 जून को सेल में जाएगा, आप वहां से इसका दोस्तों ब्लैक वेरियंट खरीद सकते हैं। और दोस्तों बात करें इसकी कलर वेरियंट की, तो ये दोस्तों ब्लैक, रेड, ब्लू और दोस्तों ग्रीन में आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों काफी अच्छी वॉच है। दोस्तों बढ़ते हैं इनका जो फोर्थ प्रोडक्ट है जो इन्होंने लॉन्च किया, वो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है Realme स्मार्ट टीवी, जो कि दोस्तों आपको एंड्रॉइड टीवी देखने के लिए मिलता है। साथ में ही दोस्तों बात करें इसकी, तो दो साइजेस में आता है, एक आपको मिलता है 32 इंचेस का, दूसरा मिलता है आपको 43 इंचेस, और इसमें भी दोस्तों आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है, भी एटमॉस का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, डॉल्बी सराउंड साउंड भी इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। दोस्तों वाइड एरिया आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, 105 डिग्री का FOV देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों इस स्मार्ट टीवी का। इसमें आपको दोस्तों 24 वॉट के 4 स्पीकर देखने के लिए मिलता है जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है, यानी कि दो एक साइड जो कि दोस्तों आपके जो वोकल्स होते हैं और जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अलग अलग तरीके से देखेगा। तो दोस्तों इससे आपको जो क्वालिटी मिलती है साउंड की, वो आपको इसमें काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो इसमें आपको MediaTek का दोस्तों क्वाड कोर प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो कि दोस्तों काफी अच्छा और पावरफुल प्रोसेसर है। वहीं दोस्तों आपको इसमें UI देखने के लिए मिलता है, वो आपको स्ट्रॉक एंड्रॉइड UI देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों इसमें Amazon, Netflix और YouTube का दोस्तों आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। साथ में आपको दोस्तों 500 से ज्यादा ऐप इसमें बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें इसमें कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर दोस्तों आप ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ एयरफोन और दोस्तों जो भी बाकी के ब्लूटूथ डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसमें HDMI और दोस्तों USB पोर्ट और 3.5mm जैक से भी आप और जो दूसरे डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके जो रिमोट है उसमें आपको दोस्तों गूगल असिस्टेंट का बटन भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। साथ में आपको इसमें
स्मार्ट रिमोट भी देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों इसकी बात करें प्राइसिंग की, तो दोस्तों जो 43 इंचेस वाला टीवी है वो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है 22,000 रुपीस का, और दोस्तों जो 32 इंचेस वाला जो टीवी है वो आपको सिर्फ देखने के लिए मिलता है दोस्तों 13,000 रुपीस का, जो कि काफी अच्छी प्राइस हो जाती है। दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स इन चारों प्रोडक्ट की, कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें लाइक करके जरूर से बता सकते हैं, और कौन से प्रोडक्ट के लिए आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है आप हमें कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड करते मिल जाए। दोस्तों मिलता है आपसे अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड टेक केयर।